पाकिस्तान के आला अदलिया वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ, वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, जनरल बाजवा साहब, DGISI साहब से रिक्वेस्ट है कि ये हमारा गांव कंडियारों के करीब मोहम्मद काबिल मंगरियो है, ये सारा पानी में डूबा हुआ है तकरीबन। अभी तक कोई यहाँ पे रेस्क्यू टीम नहीं आई, लोग मर रहे हैं। मैं कल से यहाँ पे आया हूँ सक्खर से, यहाँ पे लोग तबाह हो गए हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, हम खुद रेस्क्यू कर रहे हैं। ये ट्रैफिक बंद है हमारा 8 दिन से तकरीबन कंटिन्यूसली यही सिचुएशन है हमारे पास। ये हमारे सारे घर गिर गए हैं, लोग यहाँ पे तकरीबन मुश्किलात का सामना है। ये लोग आ रहे हैं पैदल खुद, अभी तक कोई रेस्क्यू टीम नहीं पहुंची हमारे पास। मैं पाकिस्तान के इदारों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द आर्मी की रिलीफ टीमें भेजें यहाँ पे। ये हमारे सारे लोग मर रहे हैं, ये अभी लड़की इंतकाल हो गया है इसका, ये इसका इंतकाल हो गया है अभी यहाँ पे इस पानी की वजह से। ये सारे लोग बेचारे बीमारियों में मुलविस हो गए, बीमारियां उनको आ गई हैं, अल्लाह पाक रहम करे। यहाँ पे वजीर आला सिंध ने कोई कल कंडियारों में यहाँ पे विजिट किया है, लेकिन अब तक कोई रेस्क्यू का ऐलान नहीं किया, कोई पानी सिस्टम निकालने का कोई नहीं है यहाँ पे, कोई पानी निकालने की कोई मशीनरी नहीं ये भेजी है। हमारा सारा गांव, हमारे साथ 10-15 और गांव है, मोहम्मद अली आ रही है, आदल सोलंगी का गांव है, उसके बाद ये हाजी सावल मंगरियों का गांव है रोड़ी केनाल के बराबर में, वो अभी तक नहीं खुला। मैं इन इदारों से, पाकिस्तान आर्मी से अपील करता हूँ कि यहाँ पे फौरी से फौरी फ्लड रिलीफ टीमें भेजें, कि लोग मर रहे हैं यहाँ पे, भूख से लोग मर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, सारे लोग मर रहे हैं यहाँ पे, आओ जल्दी से टीमें भेजो, हमारे लोग भी इनके घर तबाह हो गए हैं। ये बच्चे बीमार हैं, आप देख रहे हैं, ये रो रहे हैं लोग, बड़े 3-4 दिन से तो इन्होंने खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया, हमने अपनी मदद आपसे बंद लगवाया, ये बंद है रोड, आप देख रहे हैं निकले किसी बात, यहाँ पे क्या कहते हैं लोगों को निकाला है, ये सारा ट्रैफिक बंद है, यहाँ पे कोई टीम नहीं आई अभी तक। मैं लानत करता हूँ वजीर आला मुराद अली शाह पे कि लोग नहीं भेज रहा यहाँ पे, आसान और काम रोड़ी केनाल भी है इधर, मैं सैयद सरफराज अली शाह MPA कंडियारो है, जो उसने भी अभी तक कोई टीम नहीं भेजी यहाँ पे, MNA इब्रार अली शाह उसने भी कोई टीम नहीं भेजी, सारा सिस्टम डूबा हुआ है। ये रोड हमारे साथ है, फिर भी 8 फुट से ऊपर पानी हमारे घरों में खड़ा है, लोग मर रहे हैं, 4-5 दिन के अंदर 17 लोग मर गए हैं हमारे गांव में, कोई निकाल सिस्टम नहीं है, कोई पानी की मशीन नहीं है, लोग पैदल आ रहे हैं, हमने अपनी आप मदद आई है, बंद लगाया है। खुदारा जल्द से जल्द रेस्क्यू टीमें भेजें, इन लोगों को मरने से बचाएं, ये लोग मर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, मेहरबानी करें।